श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि आज 11 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक दिन की शिव चर्चा जो कि लोरमी में हुई है। लोरमी की कथा रद्द हो गई थी, उसके बाद गुरुजी ने सभी को सिर्फ 24 घंटे पहले सरप्राइज दिया। पहले गुरुजी ने एक नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम में डाला था कि एक दिन की शिव चर्चा लोरमी में होने वाली है। यह शिव चर्चा सुबह हुई थी जिसका समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक था, जिसका डिले प्रसारण गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर और वैदिक चैनल पर भी हुआ है। तो आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन से उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही कल 12 अगस्त है, सुबह 7:55 के बाद अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है। ऐसे में सावन सोमवार अष्टमी का भी योग बन रहा है, ऐसे में आपको कौन सा एक मनोकामना पूर्ति उपाय है जो कि काफ़ी सरल है, जिसे करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं और वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने के पहले निश्चित पूर्ण हो जाती है। तो आपको यह दुर्लभ सावन जो कि 72 वर्षों के बाद आया है, उसमें जो दुर्लभ सोमवार की अष्टमी आ रही है, उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि उपाय भी समझ पाएं। और आज की कथा में जो गुरुजी ने रोचक जानकारियां दी हैं सभी के लिए, आज की शिव चर्चा सरप्राइज थी, तो उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं लोरमी छत्तीसगढ़ की 11 अगस्त की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव चर्चा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, लोरमी छत्तीसगढ़ में पहले 7 दिन की कथा होनी थी, उसके बाद 5 दिन की कथा होनी थी, उसके बाद कथा रद्द हो गई और अथक प्रयास के बाद आज एक दिन की शिव चर्चा 11 अगस्त को हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक दिन की ही शिव चर्चा में लोरमी छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में शिव भक्त आ गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ पे एक दिन की कथा होने वाली है, एक दिन की शिव चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसकी सूचना भी पहले नहीं दी गई थी। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल सावन के महीने में भोलेनाथ प्रसन्न हो ऐसा नहीं है। सावन जैसी उमंगता, सावन जैसी हरियाली जब हमारे अंदर आ जाती है, अर्थात आप जब भोलेनाथ की भक्ति करेंगे, सतमार्ग में चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, प्यासे को पानी देंगे, किसी जरूरतमंद को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो किसी के चेहरे में अगर आप खुशी लाएंगे तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव का देह मिलने के बाद अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आप यह समझें कि आप पर शिव कृपा नहीं है। पर अगर आप मानव की देह मिलने के बाद किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं दिख रही आपको, तो यह आप पर शिव कृपा है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मिस्त्री और स्त्री दोनों अच्छे मिलना चाहिए। अगर आपको अच्छा मिस्त्री मिलेगा तो वह आपका घर बहुत अच्छा और सुंदर बनाएगा, और अगर आपको अच्छी स्त्री मिल रही है तो वह आपके घर को स्वर्ग बना देगी। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती ऐसी थी जिन्हें क्रोध आने पर भी उन्होंने अपने पति को कभी भी अपशब्द नहीं किया, ना ही उन पर कभी गुस्सा किया। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अच्छा कर्म करने वाला अगर एक कदम भी चलता है, आगे बढ़ता है, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पर बुरा कर्म करने वाला 10 कदम भी आगे चल जाए तो भी वह पीछे के पीछे ही चला जाता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अजय कश्यप जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा जब 9 महीने का था तब उसे बुखार आया, 15 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखा गया, जांचें हुई, इलाज से पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और रायपुर के हॉस्पिटल में उसे रेफर कर दिया गया। बच्चे का इलाज चलता रहा पर इलाज से बच्चे के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। 9 महीने के बच्चे का इलाज करवाते करवाते बहुत अधिक समय निकल गया, तभी अस्पताल में ही हमने आपकी पहली बार शिव महापुराण कथा सुनी, कथा फिर हमने लगातार सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए, रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पे अर्पित करते, थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करते, 2 बूंद बच्चे के होंठ में लगा देते, थोड़ा सा जल उसके शरीर में लगा देते, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज उसको 2 साल बीत चुके हैं, बच्चा आज स्वस्थ है, डॉक्टर ने भी कहा बच्चा अब ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, आज वह गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, जन्मोत्सव है, तो सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
शरीर में जब रोग बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है, तो क्रोध भी शरीर में बढ़ता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। लता साहू जी लोरमी से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने एक ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ, शरीर से मवाद निकलना जारी रहा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर गांठें पड़ गई हैं, जो कि सही नहीं है, उनका ऑपरेशन करना आवश्यक है, और उसी का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के योग बता दिए। डॉक्टर ने दवाई लेने को कहा, हम दवाई लेकर आ गए और ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए। तभी मेरी भाभी ने शिवपुराण कथा के बारे में बताया। मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। हमने कथा सुनते और साथ में आपके बताए उपाय करते। आपने तुलसी के जड़ वाला जो उपाय बताया था वह मैंने किया। रुद्राक्ष को हमने सीहोर कोपरसा धाम से बुलवा कर रुद्राक्ष वाले जल को शिवलिंग पे अर्पित करके थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करते और उसका आचमन कर लेते। बेलपत्र को नंदी भगवान के पास बैठकर आचमन कर लेते, खा लेते। पशुपतिनाथ व्रत किया। और दूसरी बात, जब जांच के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि अब तुम्हें दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सभी गांठें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बांग्लादेश के सनातनी हिंदू अगर एक जगह में, एक शिवालय में, एक सत्संग में इकट्ठे होते रहते तो विधर्मियों की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें आंख उठाकर भी देख सकें। हमारे सनातन धर्म के जागरूक सनातनियों को तोड़ तोड़ कर अलग किया जाता है, जातियों में, धर्मों में, वर्गों में। उन्हें तोड़ने के बाद उनका ऐसा हर्ष किया जाता है जिसे आप रोज अपने सोशल मीडिया में, टीवी में या फिर न्यूज में देखकर समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कब समझ में आएगा कि भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, कब समझ में आएगा कि माँ दुर्गा के हाथ में तलवार है, कब समझ में आएगा कि नारायण के हाथ में चक्र है, कब समझ में आएगा कि इंद्र के हाथ में भी शस्त्र है। हमारे 33 कोटि देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, इसलिए एक सनातनियों को जागरूक होकर अपने हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, कि जो सेना में सेवा देते हैं और जब वह रिटायर हो जाते हैं तो वे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में जो नवयुवक हैं उन्हें सिखाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें कि हमें आर्मी में ऐसा सिखाया गया है। हम ऐसा सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। बढ़ते हैं अब वह उपाय की ओर जिसे आपको 12 अगस्त को सुबह 8 बजे के बाद करना है, क्योंकि 12 अगस्त को सुबह 7:55 से अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है। ऐसे में सावन का महीना है जो कि 72 वर्षों के बाद आया है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। और ऐसे दुर्लभ सावन में अगर सोमवार की अष्टमी आ जाती है तो उसका लाभ सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको 31 चावल के दाने लेना है। 31 चावल के दाने लेने के बाद आपको 31 चावल के दानों को भोलेनाथ के मंदिर में देहरी के पास अर्पित कर देना है। देहरी के पास भोलेनाथ के मंदिर में आप कैसे अर्पित करेंगे? आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपका मुख शिवलिंग की ओर है, ऐसे में आप अपने सीधे हाथ की ओर 31 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करने के बाद आपको 31 मूंग के दाने नंदीश्वर, भोलेनाथ के मंदिर में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, उनके उठे हुए पांव के पास 31 मूंग के दाने अर्पित कर देना है। कहाँ पे अर्पित करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंदी भगवान के जो उठा हुआ पांव होता है वहां पर आपको 31 मूंग के दाने अर्पित कर देना है। इसके बाद 31 बेलपत्र लेनी है और 31 बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा देना है। अगर आप 31 बेलपत्र की पत्तियों में पीला चंदन ना लगा पाएं तो सबसे ऊपर जो पत्ती हो उसमें आपको तीनों पत्तियों में पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद 31 बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, मतलब आप जो मंत्र बोल सकते हैं वह मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 31 बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान में अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा बोल सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, अपनी इच्छा बोल सकते हैं, जिस उद्देश्य को रखते हुए आपने सोमवार अष्टमी की भोलेनाथ की यह पूजन की है।
भोलेनाथ आपकी वह कामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में छोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।